इस्तकबाल करता हूँ यहाँ पे उनकी पूरी की पूरी फैमिली से. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट हियर. हम काफी देर से आपका इंतजार कर रहे थे. ओके थैंक यू. अब थोड़ी देर में विल हैव शैला आल्सो हु विल जॉइन अस फॉर द निकाह. या सो शी इज रेडी. ओके शी इज रेडी. ऑलराइट. तो हाँ, और मैं ये चाहता कि थोड़ा सा हम ये करें कि जब दुल्हन एंटर हो, दूल्हे के लिए भी मैं यही चाह रहा था कि थोड़ी सी तालियां हों और आप अपनी अपनी जगह पर ही उठ जाए तो अच्छा होगा. दैट बी नाइस राइट. हाँ तो चलिए उनको लाया जाए प्लीज. चंदन रेडी विद द सॉन्ग. ओके लेकिन मेरा कहने का मतलब घटे ये नहीं है कि मतलब वो ओल्ड है, वो वाले जीन को दिखते हैं बस और कुछ नहीं. पर यार यू गॉट ग्रीन आइज नेचुरल या फिर आपने और नेचुरल. ओके वेरी गुड माशाल्लाह क्या बात है. ओके सो नाउ वी कैन वेट. हमारी जो दुल्हन है आने वाली है शैला कुरैशी, बहुत ही जल्द एंटर करने वाली है. सो दूल्हा दूल्हे की साइड के दुल्हन की साइड के सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उठ के उनका इस्तकबाल करें और तालियां बजाएं. वी हैव अ स्पेशल सॉन्ग डेडिकेटेड टू हर. मैंने बोला है कि हम पैनों को नहीं लेके आएंगे आज में, तो मानो क्या आप चुपके से इसको लेके चले आए हो. तो मैंने चले आए हैं ना. वेरी गुड माशाल्लाह. मैं आपको देखूंगा जरूर. ओके तो अभी वक्त हो चुका है. ये मैंने कई बार बोला लेकिन क्या करें, आपको पता है ना कि जो दुल्हन होती है थोड़ा सा टाइम लगाती है और एक साथ लड़कियां बहुत टाइम लगाती है. ओके तो अब मैं इनवाइट करता हूं, अब मैं इनवाइट करता हूं मोहम्मद रिजवान साहब का जो कि निकाह पढ़ाने वाले हैं. दिस इज अ हिस्टोरिक निकाह बाय द वे, सो ही डिजर्व्स अ बिग क्लैप प्लीज. मोहम्मद रिजवान साहब प्लीज आ जाइए. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आइए प्लीज. और जो भी तमाम नाज़रीन हैं. With some